विद्यार्थियों, आज हम भूमि सुधार के विषय में जानेंगे। भूमि सुधार के अंतर्गत जो समीक्षा करते हैं वो हैं मध्यस्थ वर्गों का उन्मूलन, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, लगान का नियमन, भूधारण की सुरक्षा, काश्तकारों का पुनर्ग्रहण भूमि, कामगारों को भूमि प्रदान करना, कृषि का पुनर्गठन जिसमें चकबंदी भूमि सुधार और सहकारी कृषि शामिल है। सबसे पहले हम मध्यस्थ के उन्मूलन के बारे में जानते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया, अर्थात जो मध्यस्थ के रूप में जमींदार काम करते थे, जमींदारी प्रथा चलती थी, उसको लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और जो भूमि थी उसे किसान को वापस दिया गया और उन्हें पैतृक अधिकार इसमें प्रदान किए गए। दूसरा था जो इसमें जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, तो इसमें जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित की कर दी गई। इससे बड़ी जोत कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता था। ऐसी स्थिति में जो भूमि का असमान वितरण हो रहा था, कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था, वो धीरे धीरे सभी लोगों में, वंचित जो लोग थे उनमें भी वितरित होने लगी और मध्यम एवं छोटी जोतों की जो स्थापना हुई उससे लोगों में समानता का वातावरण आया और केवल बड़े किसान ना रहकर मध्यम और छोटे वर्ग के जो किसान थे उनको भी अवसर मिले। उच्चतम जोत की सीमा के कारण व्यक्ति के पास भूमि की उपलब्धता तो कम रही लेकिन गहन कृषि को इससे प्रोत्साहन मिला और अन्य कई लाभ इसमें शामिल थे। इसके अलावा काश्तकारी सुधार में सबसे पहला था लगान का नियमन। जो पहले किसानों से लगान लिए जाते थे जो कि भूस्वामी को देने होते थे, उनमें सुधार किया गया और इसके लिए नियमन किए गए। दूसरा है भूधारण की सुरक्षा। काश्तकारी व्यवस्था महत्वपूर्ण कार्य पट्टेदार को पट्टे की सुरक्षा प्रदान करना था, बड़े पैमाने पर पट्टेदारों की बेदखली पर भी रोक लगाई गई। काश्तकारों का पुनर्ग्रहण, सभी राज्यों में काश्तकारों को भूधारण के अधिकार दिए गए, कानून बनाए गए और जो किसान किसी ज़मीन पर 8 से 10 वर्ष से खेती कर रहे हैं उन्हें ज़मीन के स्वामित्व का अधिकार भी दिया गया। भूमिहीन कामगारों को भूमि प्रदान की गई, क्योंकि वो भूमि कौन सी थी जो हमने भूजोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया था, उसके फलस्वरूप जो अतिरिक्त भूमि थी वो भूस्वामियों से आई भूमि को भूमिहीनों में वितरित कर दिया गया। नेक्स्ट था कृषि का पुनर्गठन। कृषि का पुनर्गठन के अंतर्गत हमारा चकबंदी आता है। चकबंदी में प्रक्रिया थी जिसमें किसान के, जैसे अगर खेत इधर से उधर बिखरे हुए हैं तो उनको उसी किस्म की भूमि एक स्थान पर उतनी ही बड़ी भूमि उपलब्ध करवा दी जाती थी, चकबंदी कहलाती थी। कि एक ही किसान के यदि विभिन्न स्थानों पर खेत बिखरे हुए हैं तो उसको वो सब खेतों की मिलाकर भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध करवा दी जाती थी। और सहकारी कृषि को भूमि सुधार में विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें दो या दो से अधिक जो छोटे किसान हैं वो मिलकर खेती कर सकते थे, ये सहकारी कृषि थी। इस प्रकार हमने भूमि सुधारों के बारे में जाना।